Great Lakes International Film Festival, Los Angeles Film Festival, and Virgin Spring Cinefest 2018, Lake City International Film Festival, and Premier El Jardín Film Festival. So like, बहुत सारी मूवीज आई हैं अभी जो हॉलीवुड में बनती हैं, जो सिंगल लोकेशन मूवी, रियल टाइम मूवी, इट्स बेस्ड ऑन थॉट एक्ट स्ट्रक्चर, कम्प्लीटली रियल टाइम मूवी. एक रात की कहानी है, स्टार्ट होती है रात को 12 बजे और 4 बजे खत्म. सो बिटवीन 4 कैरेक्टर ओनली, वेरी मिनिमम लोकेशन, एंड मिनिमम लोकेशन के साथ साथ जो इसका क्लासिक स्ट्रक्चर है वो इसकी एक खासियत है कि हमने इसको कैसे कम से कम लोकेशन में, कम से कम टाइम में इस पूरी मूवी को रैप किया है. और इट्स अबाउट टू कपल. हमें लगता है कि हमने किसी को देखा और हमें लगा कि यार उसकी ज़िंदगी ना बहुत हमसे बहुत अच्छी है, लेकिन जब जैसे जैसे हम उसके करीब जाते हैं तो लगता है कि नहीं यार, उसकी लाइफ से मेरी लाइफ अच्छी है. फिल्म अबाउट कंपैरिजन, इट्स फिल्म अबाउट कि एक कॉरपोरेट में लोग ऊंचाई पे जाने के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं. कई बार लोग अपनी वाइफ को भी यूज़ करते हैं. मेहनत की है और फिल्म का कंटेंट बहुत अच्छा है, प्लस उसका जो पहले जो उस पर काम किया गया स्क्रिप्ट के लेवल से ही और कास्टिंग से लेकर के हर चीज़ पे तो बहुत बहुत अच्छे तरीके से काम हुआ है, तो इसलिए फिल्म पसंद आएगी, लोगों को अप्रिशिएट की जाएगी, ऐसा मुझे लगता है. सर, ये भी जब आपका जो लुक्स है वो रियली मतलब है कि रियल जो होता है कॉर्पोरेट गाय, वो उसके अंदर कि कितना ज़्यादा रियलिस्टिक आपको फील हो रहा था जब आप शूट कर रहे थे? अब ये इसका श्रेय तो कास्टिंग वालों को जाना चाहिए कि उन्होंने मतलब पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए मुझे जो है चुना, और उसके लिए मैं उनके लिए प्रोड्यूसर को और डायरेक्टर को, कास्टिंग वालों को, सबको थैंक्स भी बोलूँगा. लेकिन हाँ, ये है कि काफ़ी नज़दीक था तो अच्छा लगा इस तरह का कैरेक्टर करके. मुझे एक्चुअली बहुत मज़ा आया उसके फर्स्ट प्रोसेस से ही, क्योंकि हम लोगों ने बहुत एक लंबी चौड़ी वर्कशॉप करी और हमें हमारे डायरेक्टर ने उसके बाद बहुत फ्रीडम दी कि जब वो फिल्म शूट होनी स्टार्ट हुई, जो कि पूरी पूरी रात में शूट होती थी, सिर्फ द स्केड्यूल, शूटिंग स्केड्यूल वाज ओनली इन द नाइट, एंड पूरे एक साथ शेड्यूल था, लेट्स से 15-16 दिन का. तो उस 15-16 दिन में हमें अकस्टम होना रातों में जगने के लिए, आई थिंक दैट वर्कशॉप वॉज वेरी हेल्पफुल, जिसमें हमें उस समय उन्होंने बहुत गाइडेंस दी और हमें एक दूसरे से ट्यून अप होने में बहुत हेल्प मिली. बिकॉज फाइनली इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक आपने ऊन का गोला देखा है ना, ऊन का गोला आप कैसे ऐसे ज़मीन पे उड़का देते हैं एंड हाउ इट जस्ट अनफोल्ड्स, खुलता चला जाता है. इट वॉज देन दैट वे इज मक्खन, बिल्कुल स्मूथ था हमारा शूट, एंड वी वर ऑल्सो वेरी क्लियर अबाउट आर कैरेक्टर्स. फिर डायरेक्टर की फ्रीडम, आई वुड से हम दोनों का थिएटर एक्सपीरियंस जो है वो गिव एंड टेक एज एन एक्टर, इट वॉज वेरी हेल्पफुल. बिकॉज ये पूरी की पूरी फिल्म जब आप ये देखेंगे कि दिस इज़ गोइंग टू द ऑडियंस इज वेल, दैट दो इट इज़ ओनली अबाउट 4 कैरेक्टर्स, ओनली अबाउट 1 नाइट एंड टू मच वर्बल, येट इट इज़ नेवर बोरिंग एट एनी मोमेंट. And we are not saying this कि हम उसमें पात्र प्ले कर रहे हैं, we are in the film and acting our character there. But even as a general opinion, as my experience as a just देखने के लिए, as a दर्शक, as a viewer, I would say and promote this film that it keeps you hooked. Every sentence of the film, every moment of the film, इतना enrich है, कुछ का कुछ हो रहा होता है कि एक्टर तो बोर होता ही नहीं है. सो दैट्स व्हाई आई से इट वाज अ पार्टी, इट वाज फन, इट वाज वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस. और हम लोगों ने जागरण फिल्म फेस्टिवल के अंदर भी, चूंकि हाउसफुल शो था, तो एक ऑडियंस का क्या रिएक्शन है वो हम लोगों को मिल गया था, और मतलब दे वर अप्रिशिएटिंग दिस फिल्म वेरी मच. कॉर्पोरेट क्या कहते हैं उसको, आई एम प्लेइंग अ कॉर्पोरेट गाय जो जब शुरू में आप फिल्म देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बड़ा अच्छा लड़का है, ये मेहनती है या जो भी है,
बट देन धीरे धीरे जैसे चंदन जी ने कहा लेयर्स खुलते रहते हैं, एंड देन आपको पता चलता है कि ये जो है ये इतना सीधा नहीं है जैसे ये लग रहा है, एंड बेसिकली बहुत एम्बिशियस है. तो उस एम्बिशन के चक्कर में क्या क्या कर सकता है वो किरदार है. सो अटेम्प्ट है मेरे ख्याल से चंदन जी ने कंटेम्प्रेरी रखा है फिल्म को बहुत, जो भी इश्यूज हैं, जो जो डिटेलिंग अच्छी है जो कपल्स के बीच में होती है, जो एज एट ए ह्यूमन लेवल आप जो फील करते हैं वो चीज़ें उन्होंने बहुत उस पर ध्यान दिए स्क्रिप्ट एट द स्क्रिप्ट लेवल, एंड बनाते वक्त उसमें और हम लोगों ने चीज़ें ऐड की और इसकी प्रेपरेशन खूब की हम लोगों ने, बिकॉज ये स्क्रिप्ट बहुत इंट्रिकेट स्क्रिप्ट है. इट इज़ नॉट एन ईजी स्क्रिप्ट, इट इज़ नॉट अ स्क्रिप्ट, ऐसा स्क्रिप्ट नहीं है कि आपको दे दिया आपने एक दिन पहले पढ़ लिया और अगले दिन आप शूटिंग पे प्रिपेयर करके चले गए. इसमें बेसिकली प्रेपरेशन बहुत है बिकॉज बहुत लेयर्स हैं फिल्म में, अलग अलग लेयर्स हैं, बहुत ट्विस्ट हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, रिलेशनशिप्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं. तो हमने बाकायदा एक 10-12 दिन की वर्कशॉप की इंटेंसिव. मेरी पहली फिल्म है तो मैं काफ़ी नर्वस और एक्साइटेड थी, जो मेरे ख्याल से सब लोग ही होते हैं. मैं काफ़ी नर्वस थी बिकॉज मेरी पहली फिल्म है, एंड जैसे इन्होंने कहा काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट थी. मैं एक्चुअली थिएटर बैकग्राउंड से हूँ तो आदत है कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट्स की और रिहर्सल्स की आदत है, और उसी तरह से हुआ ये कि रिहर्सल हुई पहले. मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ बताया गया कि ये स्टोरी है, सेट पे जाके पता चलता है कि ये स्क्रिप्ट है, ये डायलॉग है, आप पढ़ लो, आप सोच लो उसके बारे में और फिर आप बोल लो कैमरा के सामने. वैसा नहीं था. मुझे टाइम मिला काफ़ी अपना कैरेक्टर प्रिपेयर करने के लिए, बाकी एक्टर्स के साथ, बाकी कास्ट के साथ रिहर्स करने के लिए. तो एक्सपीरियंस वाइज आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा पहला शूट है, मेरी पहली फिल्म है और मैं इतनी कंफर्टेबल होंगी. चंदन जी ने भी काफ़ी एफर्ट्स डाले हम लोग को उस जोन में डालने के लिए, अपने कैरेक्टर में डालने के लिए, वो सब बाहर निकालने के लिए जो कि वो देखना चाहते थे स्क्रीन पे. और हमारे कास्ट ने भी बहुत मदद की है मेरी थ्रू आउट द शूट, थ्रू आउट द रिहर्सल्स, क्योंकि ये लोग सब एक्सपीरियंस्ड हैं और मैं उस वक्त उतनी एक्सपीरियंस्ड नहीं थी. मतलब मेरा पहला काम था, स्क्रीन वर्क मेरा पहला था, तो काफ़ी मदद हुई और एक्सपीरियंस ऑल इन ऑल काफ़ी अच्छा था. सी एक्चुअली सर मेरा पूरा फैमिली बैकग्राउंड ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का है. मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, मेरी मदर सब सीए. तो एक फैमिली बिजनेस था चार्टर्ड अकाउंटेंसी का. लेकिन एक बहुत 10 साल हो गए काम करते करते फाइनेंस में, तो मुंबई मेरा ट्रांसफ़र हुआ था. तो मुंबई जब आया और मुंबई जब आदमी आता है तो एक ट्रायल तो ज़रूर लेता है फिल्म मेकिंग का. तो मैंने सोचा कि यार फिल्म मेकिंग करनी. देन मैंने विस्लिंग वुड और अदर फिल्म स्कूल से डिग्री पास आउट हुआ और देन इस फील्ड में आया. जब मैं आ गया तो मुझे पता चला ये बहुत ही मुश्किल काम है यार फिल्म मेकिंग का. देन मैंने खुद से स्टार्ट किया स्क्रिप्ट राइटिंग, कि एक ऐसी स्क्रिप्ट मिले जो कम से कम बजट में मैं उसको सूट कर सकूँ और अच्छी फिल्म हो, क्लासिक स्ट्रक्चर पे हो, जो स्कूल से पास आउट होने का के बाद जो थॉट होता है उस थॉट के साथ मैंने ये मूवी बनाई. जो लोगों को लगता है कि यार अगर आपके पास फंड नहीं है, बहुत ज़्यादा फंड नहीं है, तो आप फिल्म नहीं बना पाओगे, तो उसको ब्रेक करना था. तो उसमें शायद मैं कामयाब हूँ. सर फिल्म फेस्टिवल सोच के नहीं बनाया था मैंने कि ये फिल्म फेस्टिवल में जाएगा. जब मैंने बना लिया तो मैंने सोचा कि अब इसको मार्केटिंग कैसे करूं, लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये मूवी भी है. और जो फिल्म स्कूल के बच्चे जो पास आउट होते हैं वो इतने परेशान होते हैं कि यार अगर स्क्रिप्ट है तो मेरे पास फंड नहीं है, फंड है तो बड़ा स्टार नहीं है, तो मैं क्या करूं यार. देन मेरे पास सजेशंस आया कि इसको फेस्टिवल में भेजते हैं, अगर फेस्टिवल में अच्छा क्लिक हुआ
तो ये आगे कुछ ना कुछ अच्छा कर ही जाएगा. देन आई हैव स्टार्टेड टू सेंड. थिएटर आर्टिस्ट को कास्ट किया, उसके पीछे क्या वजह रही है कि सर ये रियल टाइम ड्रामा था, वन नाइट स्टोरी थी और पूरी फिल्म नाइट शूट करना था मुझे. मुझे रियल शूट चाहिए था तो 30-31 दिन का शूटिंग था. मैंने उसको 17 दिन में मुझे रैप अप करना था. तो एक थिएटर आर्टिस्ट ही कर सकता है, कोई बड़ा स्टार बिल्कुल भी नहीं कर सकता और मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता था. और रियली थिएटर स्टार सर्च करने का एक फ़ायदा मिला कि उन लोगों को मेहनत करने की इतनी अच्छी आदत होती है कि कुछ भी कर जाते हैं. पूरी पूरी रात जगे रहते थे सेट पे. देखा जाए ना तो अभी देखिए हमारे इंडिया के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशन आ रहा है फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के. अब यहाँ पर भी ऑडियंस ज़्यादा स्टार वैल्यू पे ना करके कंटेंट बेस्ड मार्केट अभी इंडिया के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है. तो जो एप्रिसिएशन इस फिल्म को मिला है अवार्ड से, जो जो मतलब इतनी अच्छी फिल्म बनी है, तो मुझे डेफिनेटली ये कॉन्फिडेंस है कि भाई इस ये फिल्म जब लगेगी थिएटर पर तो मुझे इतना ये मालूम है कि ये 100% सक्सेस होगी. क्योंकि इसको देखने वाली एक ऑडियंस एक अलग है, इसको समझने वाली एक ऑडियंस अलग है. तो इनको हम बोल सकते हैं भाई एक इंटेलेक्चुअल ऑडियंस के लिए जो फिल्में बनती है वो उस लेवल पे ये फिल्म बनी है. और मुझे डेफिनेटली ये एक कॉन्फिडेंस है कि ये फिल्म रिलीज़ होने के बाद हमारे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो फिल्में बन रही है ना उसमें बदलाव डेफिनेटली आएगा. क्योंकि आज तक हम लोग स्टार के पीछे ही जा रहे हैं. जैसे हम लोग फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम पूछते हैं अरे भाई कौन हीरो है, ये हीरो है वो हीरो, नहीं ये पिक्चर नहीं चाहिए वो पिक्चर नहीं चाहिए. लेकिन अब रेवोल्यूशन आ रहा है और एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करेंगे. नहीं सर ये फिल्म जो है वो 100% मल्टीप्लेक्स में जाएगी. क्योंकि हम जिस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं वो ऑडियंस हमारी मल्टीप्लेक्स से हमें मिल सकती है. सिंगल स्क्रीन भी टारगेट होंगे बट वो सिंगल स्क्रीन टारगेट होंगे जहाँ पर ये ऑडियंस हमें मिले. तो सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स दोनों को कंबाइन करके हम लोग ये समझ लीजिए ऑल इंडिया लगभग 300-350 स्क्रीन का प्रोग्राम बना रहे हैं. बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं बना रहे क्योंकि ये मालूम है कि ये फिल्म सबसे ज़्यादा माउथ पब्लिसिटी पे चलती है. ये तो अप्रोक्सीमेटली 300-350 स्क्रीन का प्रोग्राम हम बना रहे हैं रिलीज़ कर रहे हैं. सी मेरा टारगेट हमेशा ऐसा ही रहेगा कि लोगों को एक सलाह मिले, लोगों को एक रास्ता मिले. जो लोग परेशान होते हैं ना कि जिनके पास फ़ंड नहीं है, बहुत ज़्यादा फ़ंड नहीं है, मैं क्या करूँ यार मूवी बना ही नहीं सकता, तो उनके लिए एक रास्ता मिलेगा ये. और मेरी थॉट हमेशा ऐसी ही रहेगी कि कैसे कम से कम बजट में मैं अच्छी से अच्छी मूवी बना सकता हूँ विदाउट एनी स्टार थिएटर आर्टिस्ट के साथ, कैसे मैं अच्छी से अच्छी मूवी बना सकता हूँ. डेनिस भाई आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज. अरे प्लीज 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 सर आप तो मतलब ये मिस्टर डेनिस सेलार्का हैं, अपनी अष्टविनायक एक विजन कंपनी जो थी उनके फॉर्मल सीईओ हैं. तो इन्होंने जब वी मेट, गोलमाल, ये सारी फिल्मों में इन्होंने एज ए सीईओ मतलब एज ए प्रोड्यूसर उन्होंने किया हुआ है. तो प्लीज़ डेनिस भाई आप फिल्म का मतलब फिल्म का स्पेशल इनको ट्रेलर देखने के लिए मैं इनको इनवाइट किया था. हाँ हरीश भाई इज़ अ ओल्ड फ्रेंड लाइक इज़ अ वेरी प्रोफेशनल गाय एंड ही रिलीज्ड इज रिलीज्ड वन ऑफ द बिग फिल्म्स ऑफ लाइक बॉलीवुड ओवरसीज आल्सो इन इंडिया आल्सो. एंड जो ट्रेलर हमने अभी देखा जो माय डियर वाइफ का, इट लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग. एंड पूरी टीम को, उनके सारी लाइक पूरी टीम को, हरीश भाई से लेकर चंदन भाई से लेकर ऑल द एक्टर्स ने wish them all the very best. Really, it's very promising. इतने festivals में already इतने awards आ चुके हैं उनके और India में भी अच्छा perform करेगी और audience उनको पसंद करेगी. ये इट्स लाइक वी विश रियली ऑल द बेस्ट फॉर दिस. द ट्रेलर इज रियली वेरी गुड सर. थैंक यू भारद्वाज. कैरेक्टर एक्ट्रेस आशा सिंह और मैं एक्टर. हम मतलब आशा जी बहुत established character actors हैं, बहुत सारी फिल्में इन्होंने की हैं, टीवी सीरियल्स भी, मैंने भी बहुत सारी फिल्में टीवी सीरियल्स की हैं. उस नाते से मैं एक बात यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ जो बहुत सालों से मिसिंग है हमारी इंडस्ट्री में. बहुत सालों बाद जो मैंने सबसे पहले मतलब मैं बाय द वे यहाँ पर आया हूँ, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं फिल्म के हरेश एम संगाणी, जो बड़ा कमाल का काम कर रहे हैं एज ए इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर, आज इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी फिल्में कर रहे हैं, उनके थ्रू मैं यहाँ पर आया हूँ, उनको मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ. और चंदन कुमार जी और पूरी टीम है, मैं बहुत 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 सालों बाद किसी फिल्म के प्रोमो को, ट्रेलर को देख करके मेरे मन में इच्छा जागी कि मैं इस फिल्म को पूरा देखूँ. ऐसा केमिकल रिएक्शन मेरे अंदर बहुत 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 सालों बाद हुआ है. क्योंकि ऐसा होता है,
या तो ट्रेलर समझ में नहीं आता, या पूरा फ्लैट होता है, या ट्रेलर देखने के बाद ऐसा लगता है यार ये तो फिल्म देख ही ली, अब क्या फिल्म देखे थिएटर में जाके। बहुत सालों बाद मेरे अंदर एक केमिकल रिएक्शन हुआ है कि ट्रेलर को देख करके, प्रोमो को देख करके मेरे अंदर फिल्म देखने की इच्छा जागी है। तो ये मैं चाहता हूँ जितने भी लोग देख रहे हैं ना वीडियो बाइट, आप ट्रेलर ध्यान से देखेगा और आपके मन में भी वही इच्छा जागेगी और आप लोग ये फिल्म अपने अपने ओरिजिनल कंटेंट पर आप प्लीज़ देखेगा इसे, और ऐसी फिल्मों को बढ़ावा दीजिए। ऐसी फिल्मों की ज़रूरत हमें है ताकि हम हमारी पहचान इंडिया में भी बनाए और इंटरनेशनली भी बनाए, तो प्लीज़ हमें साथ दीजिए। सिनेमा देखने के लिए यदि मिलता है तो वाकई में बहुत अच्छी बात है। थैंक यू।